नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर जानेंगे उनका नजरिया और उनकी टिप्पणी। दरअसल आज का विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या किसी बड़े संकट से, संकट का मतलब सरकार के स्तर पर नहीं बल्कि विचारधारा के स्तर पर, गुजरती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस वक्त गठबंधन के दौर में है जिसकी आदत नरेंद्र मोदी को नहीं है, दूसरी तरफ हम ये देखने की कोशिश करें कि तमाम सहयोगी दलों के दबाव में नरेंद्र मोदी की सरकार को अपने फैसलों को वापस लेना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप असम पे नजर डालते हैं, जब आप उत्तर प्रदेश पे नजर डालते हैं, तो आप देखते हैं कि वहां हिंदुत्ववादी एजेंडे को और तीखेपन के साथ लागू करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या फिर नए नए कन्वर्ट हुए हिंदुत्ववाद में नए नए कन्वर्ट हुए हिमंता बिस्वा शर्मा, या जिस तरीके से पिछले दिनों आपने देखा कंगना रनौत जिस तरीके से बयानबाजी कर रही है। उनकी बातों को अब हम इसलिए हल्के में नहीं लेते क्योंकि अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गई है और उनको बाकायदा बुलाकर समझाने की कोशिश पार्टी के अध्यक्ष ने की है। तो सवाल ये उठता है, क्या भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के स्तर पर किसी दो धड़ों में बटती हुई दिखाई पड़ रही है, और अगर ऐसा है तो इसका अर्थ क्या है, जानेंगे श्रवण जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में जो आपका अपना कार्यक्रम। सर देखिए, मैं जो देख रहा हूँ वो दो चीजें भारतीय जनता पार्टी के फ्रंट पर देख रहा हूँ। एक तो ये देख रहा हूँ कि गठबंधन की जो राजनीति के जो दबाव होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने पहले कभी झेले नहीं थे, तो वो अभी इस चीज से मुक्त नहीं हो पा रही है कि उनकी सरकार नहीं है। उनको अभी भी लगता है कि जब कहते हैं कि अब की बार यानी तीसरी बार भी मोदी सरकार, वो ये कहते हैं, वो ये नहीं कह पा रहे कि तीसरी बार एनडीए की सरकार। ये सारा का सारा जो पेच है वो इसी में है कि आप सब लोगों के साथ हैं कि आप अकेले हैं और दूसरे आपके साथ हैं, पहली चीज ये। दूसरी चीज जो भारतीय जनता पार्टी का संकट में देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि बीजेपी में दो तरह के खेमे बन गए हैं। एक अतिवादी खेमे ने पूरी तरह से ओवर पावर कर लिया है, जिसमें कि हमें जानकारी नहीं है कि मोदी जी की स्वीकृति से सारा काम हो रहा है। कि मान लीजिए कि असम में मुसलमानों के लिए जो वो कर रहे हैं पूरा का पूरा, जैसे विवाह अगर मुसलमानों में होते हैं तो उनको पहले जरूरत नहीं थी, वो शरीयत के तहत करते थे, अब उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा मान लीजिए। या उत्तर प्रदेश में योगी जो कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ना, मीडिया को कुचलना, ये तमाम चीजें वो कर रहे हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी इसलिए है कि एक तरफ तो मोदी जी वक्फ बोर्ड का पूरा मामला माइनॉरिटी अपीजमेंट से चूंकि जुड़ा हुआ है, वो उसको पार्लियामेंट्री कमेटी को देते हैं और ब्रॉडकास्टिंग बिल को वापस लेते हैं। दूसरी तरफ उनके दो मुख्यमंत्री ऐसे स्टेप लेते हैं जो कोलिशन की पूरी पॉलिटिक्स और कोलिशन के पूरे डिसीशन, मतलब गठबंधन की पूरी राजनीति से अलग होते हैं। तो एक बड़ा संकट मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दो संकट बड़े हैं। एक तो संकट ये कि उस पर एक नए तरह का दबाव मोदी जी पर या बीजेपी पर, जो केंद्रीय नेतृत्व है उस पर भारी पड़ रहा है और वो अब किसी के नियंत्रण में नहीं है। शायद उनको वो सीधे कहीं और तीसरी जगह से निर्देश प्राप्त कर रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि व्हाट आफ्टर मोदी में उनका क्या फ्यूचर है। वो अभी प्रेजेंट में नहीं देख रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि वो मोदी जी में अब अपना फ्यूचर नहीं मानते हैं। वो ये मानते हैं कि उनको अपने लिए आगे की कोई तैयारी करना चाहिए पॉलिटिकली सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि उसके बिना वो कर नहीं पाएंगे। ये एक मोटा मोटा एक जो सोच है वो ये है। अब इसमें क्या एंगल कैसे आता है, वो ये एंगल यूं आता है कि महाराष्ट्र के मालवण में, मतलब जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है सिंधुदुर्ग का, उसमें मालवण में कि राजकोट फोर्ट में शिवाजी की प्रतिमा गिर गई। अब प्रधानमंत्री इतने ज्यादा, मतलब
जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एन एक्सट्रीम एक्ट ऑफ डेस्परेशन, और एन एक्ट ऑफ एक्सट्रीम डेस्परेशन की वो माफी मांगते हैं वहां जाकर, और वो कहते हैं कि मैं मतलब जिस तरह से उन्होंने अपने आप को व्यक्त किया वहां जाकर क्षमा मांगते हुए, वो अनप्रेसिडेंट है। मतलब किसी भी प्रधानमंत्री के लिए, मतलब कभी मोदी जी ने गांधी जी की प्रतिमा पर या गांधी जी की मूर्ति पर खरोच आई हो और उसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया हो, ऐसा नहीं। और साथ में वो जोर भी रहे कि ये उन लोगों के लिए वो है कि जो 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 जिनको सावरकर से माफी मांगनी चाहिए, ये दिखाता है। उसमें दूसरा पॉइंट ये है जो मैं कहना चाहता हूँ, ये जी कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में महायुति में एक पार्टनर अजीत पवार, वो जो मूर्ति गिरी शिवाजी को, उसको उन्होंने इश्यू बना लिया अपनी ही सरकार के खिलाफ, वो अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि जो चीज दिल्ली में मोदी जी के स्तर पर चल रही है कि उनके जो कोलिशन पार्टनर्स हैं केंद्र में, वो जिस तरह से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, उसी तरह से महाराष्ट्र में एक कोलिशन पार्टनर अजीत पवार जो है वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि बीजेपी में इस चीज को लेकर काफी संघर्ष चल रहा है कि हमको गठबंधन की राजनीति किस तरह से चलानी चाहिए और चलानी चाहिए कि नहीं। मैं इस चीज को थोड़ा सा इस तरफ ले जाना चाहता हूं कि अगर मोदी जी ये कह रहे हैं कि उनको 2029 में वो वापस आने वाले हैं, मतलब जिस तरह के हिंट उन्होंने देना शुरू कर दिया है, तो ये एक बहुत जबरदस्त डर का, मतलब इसमें डर बताया जा सकता है कि वो सत्ता किसी भी समय उनके हाथ से जा सकती है। तो मुद्दा ये है कि क्या बीजेपी को अगर सत्ता में रहना है तो वो अपना जो पूरा का पूरा दिल और दिमाग है, जिसमें कि एक तरफ तो भगवा है और दूसरी तरफ सांप्रदायिक राजनीति है, उससे मुक्त होने की तैयारी उसकी है कि नहीं। क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला कोलिशन की राजनीति का इस चीज से जुड़ा है कि आप अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहते हैं कि नहीं। दूसरा ये मैं इसमें इसलिए कहना चाहता हूँ, इस चीज को जो पैरेलल्स ड्रॉ करना चाहता हूँ वो ये, और पब्लिकली उसको बताएं कि जी। वो इस तरह की भाषा कि वो अब हिंदू राष्ट्र से मुक्त हो गए हैं या कम्युनलिज्म से मुक्त हो गए, इस तरह की जुबान अगर वो नहीं बोलते हैं, तब तक कोलिशन की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो दाव पर लगी रहेगी और आने वाले चुनाव में बीजेपी को बहुत भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा। मैं इसलिए इसको ट्रेस कर रहा हूँ कि कांग्रेस ने का 1998 में पचमढ़ी में चिंतन शिविर हुआ था, 1998 में मैं उसमें मौजूद था, उस चिंतन शिविर में एक पत्रकार की तरह से। उस चिंतन शिविर में कांग्रेस ने यह घोषित किया था कि हम कोलिशन में नहीं जाएंगे, मतलब दूसरे दलों के साथ मिलकर गठबंधन की सरकारें नहीं बनाएंगे। अब इसमें यह है कि पार्टी को बहुत जबरदस्त धक्का लगा 1996 के बाद, मतलब नरसिंह राव की हुकूमत के जाने के बाद, जब उसकी जो संख्या थी पार्लियामेंट में वो 182 से 114 पर आ गई, मतलब जी। और फिर 96 में कांग्रेस को 140 और बीजेपी को 161 सीटें मिली, जो 96 का चुनाव हुआ। दूसरा ये कि जब ये शिमला जब इनका कॉन्क्लेव हुआ कांग्रेस का, तो कांग्रेस ने तय किया कि अब हमको अलायंस की लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ सरकार बनाना है। अब ये 21 साल हो गए कांग्रेस उस सिद्धांत पर चल रही है कि उसको उसको इस बात की गलतफहमी से वो मुक्त हो गई है कि कांग्रेस अकेले के दम पर सरकार बना सकती है। और अब वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा डायलमा यह है कि 2014 में 303 सीटें, 2014 में 2019 में 303 सीटें आई और 2000
24 में जो उनको सफर करना पड़ा 240 का, ये जो गेप आया मेजर सेटबैक की 63 सीटें आ गई और 2019 में इनको 282 से जो 282 थी इनकी वो बढ़ के 342 सीटों का नुकसान हुआ। तो ये एक पूरा का पूरा मामला ये है कि एनडीए की जो हुकूमत है वो आगे एक रियलिटी में कन्वर्ट होने वाली है, मतलब बीजेपी के लिए, और बीजेपी तैयार नहीं है। वो अभी भी 2019 के हिसाब से ही अपनी पूरी के पूरे फैसले कर रही है कि हमारा पूर्ण बहुमत है। 303 नहीं भी है मान लीजिए हमारे पास, तो भी हमारे पास पूर्ण बहुमत है, जबकि 240 है। अब इसके रिजल्ट क्या हैं वो बहुत ही ऑब्वियस हैं। वो ऑब्वियस ये हैं जो दिख रहे हैं कि TDP, JDU, लोक जनशक्ति पार्टी ये खुलेआम आ गए आपके पास खिराम में, और ये आ गए कि आपने चिराग ने तो जाति जनगणना के मामले में राहुल की जुबान बोलना शुरू कर दिया, और फिर आपको वक्त का मामला था, ब्रक का था, ब्रॉडकास्टिंग का पूरा मामला था, लेटरल एंट्री का मामला था। ये तमाम मुद्दों पर आपको अपने फैसले वापस लेना पड़ेगा जैसा कि आपने कहा। अब मैं जो दूसरा पॉइंट कहना चाहता हूं कि केंद्र में तो एक चीज आपने ये कर दी कि भाई आप दबाव में आ गए, पर हो क्या रहा है कि जहां आपका बहुमत है वहां आप उसी तरह से बर्ताव कर रहे हैं कि जैसे आपका पूर्ण बहुमत केंद्र में भी है। ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि केंद्र में पूर्ण बहुमत के तौर पर आप जिस तरह से व्यवहार करते थे 2019 से 24 के बीच में, आप असम में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इन सब जगह वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं। कि मान लीजिए कि मैंने असम का कहा कि वहाँ मुस्लिमों को शादी के लिए आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, या मुसलमानों को लेकर वहाँ जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं हिमंता के द्वारा, या उत्तर प्रदेश में कि केंद्र में मोदी जी ब्रॉडकास्टिंग बिल वापस ले रहे हैं और वहाँ पर योगी जी एक इस तरह की योजना ला रहे हैं, अगर आप खिलाफ कुछ लिखेंगे या बोलेंगे या कुछ करेंगे तो आपको जेल हो सकती है, या बुलडोजर चल रहा है, मतलब एक इशारे पर मध्य प्रदेश में या तमाम जगह बुलडोजर चल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि केंद्र में जो बीजेपी की हुकूमत, बीजेपी की जो पार्टनरशिप है, और राज्यों में जो बीजेपी की जो हुकूमतें हैं, दोनों के बीच में कोई एक तरह का संवाद नहीं है, या एक तरह की योजना नहीं है, या एक तरह का देश नहीं है। ये वो अलग देश चला रहे हैं, ये अलग देश इनको चलाना पड़ रहा है। दूसरा ये कि जब आपने कोलिशन में जाना शुरू किया तब आपने देखा कि AIADMK सबसे पहले पिछले साल सितंबर में आपके साथ से छूटकर चले गए, फिर अकाली दल आपसे छूटकर चला गया आपके पास, और अब आप देख रहे हैं कि अजीत पवार को आप बाहर निकालना चाहते हैं। मतलब जो महाराष्ट्र के रिजल्ट को लेकर जो आप जिसके माथे पर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं वो अजीत पवार है। दूसरा ये कि जो आपके साइलेंट पार्टनर्स थे, जो अलायंस में नहीं है पर साइलेंटली आपको मदद कर रहे थे, जैसे BSP है या जननायक जनता पार्टी है, ये भी आपके साइलेंटली खिलाफ हो गए। तेलुगु देशम पार्टी वो भी आपके आपसे बहुत खुश नहीं है, क्योंकि उनका पुराना इतिहास भी आपके खिलाफ नाराजगी का है। मतलब चंद्रबाबू तो आपके खिलाफ उपवास कर चुके हैं दिल्ली में आकर स्पेशल पैकेज को लेकर, और उसमें तमाम विपक्षी दल आपके साथ बैठे थे वहां उस धरने पर। मैं ये दो चीजें अब कंक्लूड ये करता हूँ कि ये सारा मामला जो हम देख रहे हैं वो बहुत सुपरफिशियली देख रहे हैं चीजों को। जब हम कहते हैं बीजेपी गहरे संकट में है, तमाम चीजें हैं, तब हमारे जो आर्गुमेंट होते हैं वो अलग किस्म के होते हैं। मतलब बीजेपी के संकट को हम जब डिफाइन करते हैं, मैं बीजेपी का जो लॉन्ग टर्म संकट देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि बीजेपी में बहुत बड़ा तबका इस बात के लिए तैयार ही नहीं है कि वो दूसरे दलों के साथ बैठकर कोलिशन की रणनीति बना सकता है या नीतियां बना सकता है
या पॉलिसी के बारे में फैसले लेते समय अपने सहयोगी दलों के साथ कैबिनेट में चर्चा करता हूं, और कि भाई वक्त का ला रहे हैं तो आप जेडीयू से टीडीपी से बात करेंगे, या लेटरल एंट्री का मामला ला रहे हैं तो आप और लोगों से बात करेंगे, या और तमाम चीजें अगर आप ला रहे हैं तो वो नहीं कर रहे हैं। ये जो आगे चलकर मतलब अगर इनमें दरार आई, जो कि आएगी, वो इसलिए आएगी कि नीतीश कुमार को या चिराग को मोदी जी के फ्यूचर से मतलब नहीं है, उनको अपने फ्यूचर से मतलब है, और उनका फ्यूचर दिल्ली में नहीं है, वो अपना फ्यूचर बिहार में देख रहे हैं, या चंद्रा बाबू के जो स्वप्न है वो अब दिल्ली आने के नहीं है, प्रधानमंत्री बनने के नहीं है, वो उनको आंध्र प्रदेश में बने रहना है। इसलिए ये पूरा का पूरा जो बीजेपी के अंदर का जो संघर्ष है, या अकालियों को, वो मार्जिनलाइज हो गए वहां पूरी तरह से पंजाब में, तो उनको कैप्चर करना है, या मायावती को लगता है कि उत्तर प्रदेश में तो वो खत्म होने वाली है, तो वो देख रही है कि वो कास्ट सेंसस के बारे में बात कर रही है, लेटरल एंट्री का विरोध कर रही है, क्यों कर रही है, उनको लगता है कि ये जो मोदी जी के साथ उनकी सत्ता भी समाप्त नहीं हो जाए। ये जो चीजें हैं जो मैं बीजेपी का असली संकट इस चीज में नहीं देख रहा हूं कि उनकी सीटें कम हो गई। सीटें तो कम हुई थी, नरसिंह राव की भी काफी, अगर आपने देखा हो कि उनकी कितनी कम थी, किस तरह की हुकूमत उनको चलाना पड़ी, या मनमोहन सिंह को किस तरह की हुकूमत चलाना पड़ी यूपीए गवर्नमेंट पर। नरसिंह राव को दिक्कत इसलिए नहीं आई या मनमोहन सिंह को इसलिए नहीं आई कि उन्होंने कंसेप्चुअली ये तय कर लिया था, उनके दिमाग में था कि हमको एक गठबंधन की हुकूमत ही चलाना है, और उसमें वो अगर ब्लैकमेल करते हैं हमको, जयललिता ने जैसे ब्लैकमेल किया मनमोहन सिंह को, या और तमाम लोगों ने राव साहब को किया, तो वो ब्लैकमेल अपना होने देते रहे, या डीएमके ने किया, जब हम उस समय के देखें कि जो स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर जो राजा का जो पूरा का पूरा मामला होता था उस समय, ये हो ये रहा है कि मोदी जी चाहते हैं कि ये जो चिराग हैं या मायावती हैं या नीतीश है, ये उनकी शर्तों पर उनको समर्थन दें, और ईडी और एजेंसियों के दबाव में वो दबे रहें। मेरे ख्याल से अब वो पीरियड खत्म हो गया है और ये तमाम लोग ईडी के और सीबीआई के दबाव से भी मुक्त हो गए हैं। तो बीजेपी अब अपने अंदरूनी अगर गिरती है या समाप्त होती है तो उसमें किसी फॉरेन कंट्रीब्यूशन की, फॉरेन से मेरा मतलब है कि ये जो दूसरे दलों के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जैसे वो कह रहे हैं ना कि शिवाजी की प्रतिमा हवा के झोंके से गिर गई, तो वो 45 किलोमीटर की स्पीड से आई हवा उसी से गिर गई, तो ये सरकार भी अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से गिरेगी। इसको नीतीश कुमार, चिराग, मायावती या ये जो चंद्रा बाबू हैं ये नहीं गिराएंगे, ये अपने और आप आने वाले नतीजों में आप देखेंगे कि इन सब चीजों का नजर असर बीजेपी के परिणामों पर देश को नजर आएगा। आज की चर्चा आशुतोष जी बस इतना ही, थैंक यू जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू।